कोरोना से पूरी दुनिया त्रस्त है और जिसका सामना मुझसे भी हुआ, मैं और मेरी पत्नी दोनों कोरोना पॉजिटिव हुए और उसके बाद थोड़ा तनाव था, बहुत सारा भय भी था कि क्या होगा अंत में, किंतु हमने अपना मनोबल बनाए रखा, अपना धैर्य बनाए रखा। गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में है, उनके डॉक्टरों से सलाह ली और घर पर ही अपने को आइसोलेट किया और घर के अंदर रह करके सकारात्मक चिंतन करना, आध्यात्मिक चिंतन करना, कुछ अच्छी किताबें पढ़ना। इस बीच में खराब स्वास्थ्य के बावजूद हमने अपना मनोबल नहीं खोने दिया, अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरा, नकारात्मक खबरों से दूर हुए, मित्रों से लगातार फ़ोन पर बात की, जब स्वस्थ हो गए थोड़े से तो, और अच्छा चिंतन किया, अच्छा भोजन किया, आयुर्वेद की दवाएं ली, होम्योपैथ की दवाएं ली, एलोपैथ की दवाएं ली, बाबा रामदेव की जो कोविल किट है उसमें 3 दवाएं आती हैं, उनका भी सेवन किया और अच्छा खान पान करके अपने को 20 दिनों के अंदर हमने स्वस्थ किया। और इन 20 दिनों में हमने कई पुस्तकें पढ़ी, कई महत्वपूर्ण किताबें पढ़ी। ललन प्रसाद सिन्हा के द्वारा लिखी हुई महर्षि देवराव बाबा की जीवनी पढ़ी, वरिष्ठ नेता शरद पवार की जीवनी अपनी शर्तों पर पढ़ी, आदरणीय सरसंघ चालक प्रपूज्य मोहनराव भागवत की लिखी हुई पुस्तक यशस्वी भारत का अध्ययन किया, आदरणीय सुनील अम्बेडकर जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जो पुस्तक लिखी है उन्होंने मुझे काफ़ी पहले दी थी, पर उसका अध्ययन अब कर पाया। कई महत्वपूर्ण फिल्में भी देखी, रक्तचरित्र रामगोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म है, उसका पहला और दूसरा पार्ट देखा, हिंदू सरकार देखी, सत्ता देखी, चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी की फिल्म जेट प्लस देखी, तो बहुत सारी फिल्में देखी और योग प्राणायाम पर ध्यान दिया, खासकर सांसों के जो अभ्यास हैं वो किए, अपनी सांसों को साधा और खुद पर भरोसा करते हुए इस महामारी पर विजय प्राप्त की। मेरा यही आप सबसे कहना है जो इस वीडियो को सुन रहे हैं कि हम घबराएं नहीं, अपने मनोबल को, अपने आत्मबल को, धैर्य को न छोड़ें। बीमारी जैसे पता लगे उसका तत्काल इलाज करें, बीमारी को छिपाने की आवश्यकता नहीं है, इस महामारी को साधारण सर्दी जुकाम समझने की भूल करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं मेडिटेशन, स्वयं जो है दवाएं करने की आवश्यकता नहीं, तत्काल डॉक्टर का परामर्श लेना। और मुझे लगता है कि एलोपैथ के साथ साथ हमें होम्योपैथी में बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत अच्छे विकल्प हैं, आयुर्वेद भी विकल्प हैं, उनका भी साथ साथ पालन करना चाहिए। विटामिन सी की गोलियाँ लेना, जिनके भी टेबलेट लेना, ये सारे जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स बता रहे हैं ठीक ही बता रहे हैं, उनसे लाभ ही होता है। और मुझे लगता है कि हम ये सब कर पाते हैं तो अपने को जल्दी स्वस्थ होता हुआ देखते हैं। आज समाज में एक भरोसा और आत्मविश्वास जताने की ज़रूरत है। हम अगर लोगों में विश्वास जता पाएंगे, लोगों में भरोसा जता पाएंगे तो हम जल्दी से जल्दी इस महामारी से जीत पाएंगे। आज हनुमान जयंती का दिन है, मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ और हनुमान स्वयं संकट मोचन है, निश्चित रूप से इस रोग को सिर्फ भारत से नहीं बल्कि पूरी वसुंधरा से वो समाप्त करेंगे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी का नाम लेकर आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।